गुड मॉर्निंग एवरी वन. कॉन्टिन्यूइंग विद अवर नेक्स्ट टॉपिक, अगर नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेके नहीं आता है तो उस केस में अप्लाई होता है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है. पैरा 16 ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 कहता है कि गुडविल को आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तभी रिकॉर्ड कर सकते हैं जब उसके लिए जो कंसिडरेशन है वो मनी या मनी की वर्थ में पे की गई हो. इसका मतलब सिर्फ परचेज्ड जो गुडविल होती है उसी को आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं. एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर या इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो गुडविल है आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रेस नहीं कर सकते फर्म की अगर उसके लिए कोई कंसिडरेशन इन मनी या मनी वर्थ में पे नहीं की गई है. तो देन अगर जो नया पार्टनर है वो अपना शेयर गुडविल में कैश में लेके नहीं आ रहा है तो जो एडजस्टमेंट है गुडविल की वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू की जाएगी. उस सिचुएशन में जो नया पार्टनर है उसके करंट अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे उसके शेयर ऑफ गुडविल से और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो से. इन शॉर्ट हम सिर्फ यहाँ पे इतना देख रहे हैं कि जो भी पार्टनर नया पार्टनर गुडविल लेके पहले अगर कैश में आता था तो हम कैश अकाउंट को डेबिट कर देते थे और जो भी हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट को क्रेडिट कर देते थे. अब वो कैश में नहीं लेके आ रहा है तो उसकी एडजस्टमेंट हम नए पार्टनर के करंट अकाउंट से कर देंगे. तो जहां हम कैश लिख रहे थे वहां उसका न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उनकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है उसमें डिवाइड हो जाएगा. इसका एक इलस्ट्रेशन हम देख लेते हैं. राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. दे एडमिटेड मोहन इन टू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स. मोहन ब्रिंग्स 2 लाख रुपीज एज हिज कैपिटल एंड कुड नॉट ब्रिंग 24,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल. गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म. तो वो कैश में कैपिटल लेके आया है लेकिन जो गुडविल का शेयर है वो नहीं लेके आया है. तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन करंट अकाउंट 2 लाख रुपीज के लिए जो वो कैपिटल लेके आया. अब गुडविल कैश में नहीं लेके आया तो मोहन के करंट अकाउंट से हम उसे डेबिट कर लेंगे. तो मोहन करंट अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल टू श्याम कैपिटल और जो उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है दैट इज 2:1 होगी. तो मोहन करंट अकाउंट में 24,000 आ जाएंगे और राम के कैपिटल अकाउंट में 16,000 एंड श्याम के कैपिटल अकाउंट में 8,000. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. इस केस में भी इन दोनों केसेस को हम ऊपर कर चुके हैं. अब यहाँ पे उसी चीज को कंबाइन दिखाया गया है तो इसमें भी कोई इशू नहीं है. सेम उसी तरीके से जैसे हमने पहले किया था वही चीज हम यहाँ फॉलो करेंगे. जो ऑलरेडी अपियर्ड गुडविल है जिसे हम एग्जिस्टिंग गुडविल कहते हैं उसे एज इट इज राइट ऑफ किया जाएगा और जो नई गुडविल पार्टनर कैश में लेके नहीं आ रहा है उसे उसके करंट अकाउंट के थ्रू हम डेबिट करके जो आपके नए ओल्ड पार्टनर्स थे उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे. तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका. रमन एंड दमन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3. करण इज एडमिटेड इन टू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट. The goodwill of the firm has been valued at 1,12,000. Goodwill already appeared at 85,000 in the books. Give necessary journal entries in the books of the firm. तो जो already appeared goodwill है वो है आपकी 85,000. तो 85,000 को हमने write off किया. Write off करने के लिए entry Raman capital account debit, Daman capital account debit to goodwill. उनकी old ratio में जो है 5:3. देन जो करण है वो अपना गुडविल जो है जो न्यू गुडविल है उसकी वो कितनी होगी. गुडविल फर्म की है 1,12,000. उसका शेयर है 1/4. तो 1,12,000 का 1/4 आपने निकाला तो वो बना 28,000. अब ये डिवाइड होगी जो
आपके ओल्ड पार्टनर्स हैं और वो भी सेक्रीफाइस जो पार्टनर कर रहे हैं उनमें उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आती है 5:3। तो करंट करंट अकाउंट डेबिट टू रमन कैपिटल अकाउंट टू दमन कैपिटल अकाउंट, और आपने 28,000 को डिवाइड कर दिया 5:3 की रेशियो में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज हिडन और इन्फर्ड गुडविल। कई बार जो अमाउंट ऑफ गुडविल कैश में लेके आ रहा है नया पार्टनर वो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं होती है क्वेश्चन में। इस केस में ये अज्यूम किया जाता है कि जो गुडविल है वो हिडन है, तो क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा टू फाइंड आउट गुडविल? सबसे पहले हम टोटल फर्म की जो कैपिटल है उसे फाइंड आउट करेंगे न्यू फर्म की। तो जो टोटल कैपिटल है न्यू फर्म की उसे फाइंड आउट हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल जो नया पार्टनर लेके आ रहा है। तो अगर नया पार्टनर लेके आ रहा है सपोज 25,000 कैपिटल और 1/5 शेयर के लिए वो लेके आ रहा है, तो टोटल कैपिटल न्यू फर्म की कितनी होगी? जो उसकी कैपिटल है दैट इज 25,000, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसके शेयर के रिवर्स से। वो 1/5 के लिए लेके आ रहा है तो 25,000 इंटू 5/1। अगर वो 1/6 के लिए लेके आ रहा होता तो 25,000 इंटू 6/1। तो यहाँ पर सपोज हमने कहा है कि 25,000 कैपिटल के लिए कैपिटल वो लेके आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, तो टोटल कैपिटल फॉर्म की हो गई 25,000 इंटू 5/1, दैट इज 1,25,000। नेक्स्ट जो हम फाइंड आउट करेंगे दैट इज एग्जिस्टिंग कैपिटल क्या है न्यू फर्म की। तो टोटल एग्जिस्टिंग कैपिटल निकालने के लिए न्यू फर्म की हम ऐड करेंगे कैपिटल सभी पार्टनर्स की एडजस्टमेंट के बाद, तो एग्जिस्टिंग कैपिटल आपकी निकल जाएगी। या एग्जिस्टिंग कैपिटल को निकालने का फॉर्मूला वही एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। देन हम फाइंड आउट करेंगे गुडविल। तो गुडविल कैसे फाइंड आउट करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस, जो कैपिटल है टोटल कैपिटल न्यू फर्म की उसमें से हम माइनस करेंगे जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है न्यू फर्म की। तो जब आप दोनों को माइनस करेंगे तो आपको जो हिडन गुडविल है वो मिल जाएगी। इसका इक्वेशन हम देख लेते हैं। हरि एंड शिव आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल ऑफ 3,05,000 एंड 2,10,000 रिस्पेक्टिवली। दे एडमिटेड ओम एज अ पार्टनर विद 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओम ब्रिंग्स 1,95,000 रुपीज एज हिज कैपिटल। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ कि ओम गुडविल जो है वो कितनी लेके आया है, तो यहाँ पे गुडविल हमें निकालनी पड़ेगी। तो टोटल कैपिटल फर्म की ऑन द बेसिस ऑफ ओम्स कैपिटल कितनी निकली? ओम की कैपिटल है 1,95,000 और उसका जो शेयर है प्रॉफिट में वो है 1/4। तो 1,95,000 इंटू 4/1, तो ये आ गया 780। एग्जिस्टिंग कैपिटल उनकी कितनी है? 3,05,000 प्लस 2,10,000 प्लस 1,95,000, तो वो हुई 7,10,000। तो गुडविल इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 70,000। अब ये गुडविल आ गई आपकी, तो उसमें ओम का कितना शेयर है? 1/4 शेयर है, तो ओम का शेयर ऑफ गुडविल हुआ 70,000 इंटू 1/4, दैट इज 17,500। तो एंट्रीज कैश अकाउंट डेबिट टू ओम कैपिटल अकाउंट 1,95,000 जो वो लेके आया है कैपिटल उसके लिए। देन ओम करंट अकाउंट डेबिट टू हरी कैपिटल टू शिव कैपिटल जो उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो ये 17,500 को आपने डिवाइड कर दिया हरी और शिव की कैपिटल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कई बार जो पार्टनर हैं वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करते हैं। अगर आपने नए पार्टनर को एडमिट नहीं भी किया है तब भी, तो उसका जो इफेक्ट पड़ेगा चेंज का, जो शेयर होगा एक पार्टनर का वो इंक्रीज हो जाएगा और जो दूसरे पार्टनर का शेयर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। उस सिचुएशन में जो पार्टनर गेन कर रहा है वो कंपनसेशन पे करेगा दूसरे पार्टनर को जिसने सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि फ्यूचर में जाके जिसने सेक्रीफाइस किया है उसको कम मिलेगा बेनिफिट उस अर्न्ड गुडविल का। और जबकि जो आपका दूसरा पार्टनर है जिसने
गेन किया है उसको ज्यादा मिलेगा, तो जो गेनिंग पार्टनर है वो कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को. फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं फर्म में, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट इन दी रेशियो ऑफ 3:2. उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर प्रॉफिट और लॉस शेयर होगा इन दी रेशियो ऑफ 2:1. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो? सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ए का सेक्रीफाइस जब हमने निकाला तो वो आया 3/5 माइनस 2/3. तो इसका एलसीएम आपने लिया तो ये आया 1/15, लेकिन ये क्या आ रहा है आपका गेन आ रहा है. तो नेक्स्ट जो हमारा बी का हमने सेक्रीफाइस और गेन निकाला तो 2/5 माइनस 1/3, तो हमारा आया 1/15 सेक्रीफाइस. अब यहाँ पे देखिए हम फॉर्मूला तो सेक्रीफाइस का लगा रहे हैं ओल्ड माइनस न्यू, लेकिन हमें कैसे पता कि गेन है या सेक्रीफाइस है? जब गेन है तो आपका जो ये साइन है वो माइनस आ जाएगा. देखिए आप 9/15 में से माइनस कर रहे हैं 10/15, तो छोटे डिजिट में से आप बड़ा डिजिट माइनस कर रहे हैं तो यहाँ -1 आएगा. तो माइनस आ रहा है सेक्रीफाइस का, आप रेशो निकाल रहे हैं इसका मतलब वो गेन है. तो यहाँ पर जो एंट्री पास होगी दैट इज जो आपका पार्टनर गेन कर रहा है उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट. इसका इक्वेशन हम देख लेते हैं. विनोद एंड सुमित आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. With effect from 1st January 2009, they decided to share profit and losses in the ratio of 2:3. Goodwill of the firm is valued at 1,75,000. Pass the necessary journal entry for the treatment of goodwill. आपके पार्टनर्स जो है विनोद एंड सुमित पहले शेयर कर रहे थे 3:2 की रेशियो में, अब कर रहे हैं 2:3 की रेशियो में. तो सबसे पहले सेक्रीफाइस या गेन क्या निकलता है उसे कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया ओल्ड रेशियो है विनोद की 3/5 और न्यू रेशियो है 2/5, तो सेक्रीफाइस आया 1/5 का. सुमित की ओल्ड रेशियो है 2/5 और न्यू रेशियो है 3/5, माइनस किया तो उसका गेन आया 1/5 का. तो शेयर ऑफ गुडविल कितना है जिसे एडजस्ट करना है? 1/5, जितना सेक्रीफाइस और गेन हुआ है. तो फर्म की जो गुडविल है वो है 1,75,000. तो 1,75,000 का 1/5 आपने निकाला तो वो आया 35,000. तो आपका जो गेनिंग पार्टनर है उसका अकाउंट डेबिट होना है, तो सुमित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू विनोद कैपिटल अकाउंट 35,000 से. तो ये था हमारा टॉपिक गुडविल का. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच.